अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान तमर आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुडविल, ख्याति के बारे में। ख्याति की विद्या की गणना चल रही थी, मैंने आपको ख्याति विद्या कितनी प्रकार से हम ख्याति की गणना कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, पांच तरीके। एक टॉपिक पूरा हो गया था वर्षों के करे के आधार पर, ठीक है। उसके अंदर हमने दो विधियां पढ़ी थी, एक पढ़ी थी सरल औसत लाभ विधि, एक पढ़ी थी भारत औसत लाभ विधि। किसमें सरल औसत औसत विधि में हमने सरल औसत विधि और भारत औसत विधि पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट। आज हम बात करेंगे पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे। पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि देखना बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड, इस विधि में क्या होता है कि व्यवसाय के जो अर्जित लाभांश है, जो प्रॉफिट है, व्यवसाय का अर्जित लाभ है, उसके अंदर हमें क्या करना है, पूंजीकरण करना है, अधिलाभ क्या करना है, पूंजीकरण करना है करके ख्याति क्या करेंगे, हम मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्या है कि इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण, लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य, पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। क्या कहता है, इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा जितने भी अर्जित लाभ है उसका क्या करते हैं, हम पूंजीकरण करते, कैपिटलाइजेशन करते। इसके अंदर जो विधिया है वो दो विधि है, एक तो है औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, दूसरी है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। ये दो विधि, एक तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, एक है अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। हम क्या करेंगे, सबसे पहले औसत लाभों की पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो देखना इसको करने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले इसके सूत्र की चर्चा करते हैं। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, इसका जो सूत्र है वो है औसत लाभ, जितना भी औसत लाभ आया है, औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सामान्य प्रत्यय की दर, माने प्रत्यय की दर। क्या है मेथड, औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सामान्य प्रत्यय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर इंग्लिश में बात करते हैं मेथड क्या बनता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड बनता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें करने का सिंपल सा मेथड ये है, यदि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है
औसत लाभ निकालना आता है तो ये पूंजीगत विधि आपके हार्ड नहीं पड़ेगी, आपकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि औसत लाभ निकलने के बाद में कुछ नहीं है, 100 अपॉन करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है और बट्टे में क्या लगाना है अपॉन में, पर सामान्य पड़ता है दर। तो देखो किस प्रकार इसको निकालते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। एक फर्म का औसत लाभ, एक फर्म का औसत लाभ 15,000 और फर्म की पूंजी 1,00,000, फर्म की पूंजी 1,00,000, एक फर्म का औसत लाभ कितना है 15,000 और उसकी पूंजी कितनी है, कैपिटल कितनी है 1,00,000 है, सामान्य प्रत्यय की दर कितनी है, सामान्य प्रत्यय की दर है 10%, सामान्य प्रत्यय की दर 10%। अगला क्या करा है, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। औसत लाभों की पूंजीगत विधि से क्या करना है, ख्याति गणना करना है। देखो सूत्र क्या है अपने पास, औसत लाभ की पूंजीगत विधि से औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 सामान्य प्रत्यय की दर, औसत लाभ अगले दे रखा है, प्रत्यय की दर दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको निकालने का तरीका क्या है बेटा, औसत लाभ ख्याति औसत लाभ निकाल लेते हैं या पूंजीगत निकाल के हम तो पूंजी लेस हो जाएगी, या तो डायरेक्ट कर लो इसको। देखो कन्या तरीका अगर ख्याति में निकालनी है, ख्याति बराबर ख्याति बांध देंगे औसत लाभों का पूंजीकरण, सूत्र क्या था औसत लाभ गुणा 100 प्रत्यय सामान्य प्रत्यय की दर, औसत लाभ कितना है 15,000 मल्टीप्लाई 100 सामान्य प्रत्यय की दर कितनी 10%, 1,00,000 से 1,00,000 काटते हैं तो बचता क्या बेटा 1,50,000। ये हमारे पास औसत लाभ का आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, ख्याति बराबर औसत लाभ, औसत लाभ का पूंजीकरण माइनस पूंजी, तो 1,50,000 पूंजी होगी, पूंजीकरण हो गया, पूंजी कितनी है 1,00,000, तो गुडविल कितनी गई बेटा 50,000। इस प्रकार हम औसत लाभों के पूंजीगत विधि से ख्याति की गणना कर सकते हैं। अगर यहां पर औसत लाभ न दे आपको, फिर क्या करेगा, औसत लाभ नहीं देगा तो, औसत लाभ नहीं देगा तो पिछले 5 वर्षों के लाभ दे देगा, तो आप एवरेज वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को वैसे सेट करते हुए लिया है। अब इसमें लास्ट जो टॉपिक बच रहा है अपना, अधिलाभों की पूंजीगत विधि, ठीक है। पूंजीगत में दो टॉपिक थे, औसत लाभ और अधिलाभों की पूंजीगत विधि। अधिलाभों की पूंजीगत विधि से क्या संबंध क्या है देखना, सूत्र क्या है अधिलाभों का पूंजीगत विधि से हल करने का, केवल डिफरेंस इतना है औसत लाभ की जगह क्या जाएगा पूंजीकरण आ जाएगा, ठीक। अगर अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से हम बात करते हैं तो देखना क्या सूत्र बनता है इसका, अधिलाभों
यदि लाभों की पूंजीकरण विधि, तो सूत्र क्या बनता है बेटा इसका? अधिलाभ गुणा 100 बट्टा सामान्य प्रत्यय की दर, ये इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है। तो देखना बेटा, अब अधिलाभ पूंजीकरण इसको हम किस प्रकार करेंगे, ये भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जैसे किसी फर्म का शुद्ध औसत लाभ, शुद्ध औसत लाभ 58,000 रुपए है तथा फर्म में विनियोजित पूंजी 3,00,000 है तथा फर्म में विनियोजित पूंजी 3,00,000 है, सामान्य प्रत्यय की दर, सामान्य प्रत्यय की दर 15% है, ठीक है, फर्म की ख्याति का मूल्य, ख्याति का मूल्य अधिलाभों के अधिलाभों ओके पूंजीकरण विधि से ज्ञात करो। तो देखो हमें हमारे पास क्या दे रहा है, अगले ने दे रखा है कि ये फर्म है उसका औसत लाभ 58,000 रुपये, फर्म की विनियोजित पूंजी 3,00,000 है, सामान्य प्रत्यय की दर 15% है, ख्याति का मूल्य हमें निकालना है। कौन सी विधि से? अधिलाभों के पूंजीकरण विधि से, अधिलाभों की पूंजीकरण विधि से। अब हमें सबसे पहले अधिलाभ दे रखा है तो अधिलाभ निकालना पड़ेगा। अधिलाभ निकालने का फॉर्मेट क्या है बेटा? सुपर फॉर्मेट निकालने का मेथड। अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट ये निकालो सबसे पहले कि अधिलाभ का पूंजीकरण करना है। सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड है एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ दे रखा है अगले ने, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 58,000 रुपये, लेकिन अगले ने सामान्य लाभ नहीं दिए लेकिन क्या दे दिए? विनियोजित पूंजी और देर दे दी। तो हम क्या सामान्य लाभ क्या निकालेंगे? सामान्य लाभ निकालेंगे, सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मेट है पूंजी मल्टीप्लाई दर, ठीक है, बट्टा 100। इस प्रकार हम सामान्य लाभ निकाल लेंगे। तो क्या है? 3,00,000 पूंजी है, मल्टीप्लाई 15/100, 2 जीरो से, ये 2 जीरो से 15 है 45, यानी 45,000 रुपए सामान्य प्रत्यय। इस मेथड से क्या जाएगा? सामान्य लाभ 45,000। अब एवरेज प्रॉफिट सॉरी ये कितना बचा है अपना अधिलाभ? 13,000 रुपए, समझ रहे बात को? कितना बच रहा है? 13,000। कैसे? औसत लाभ दे रखा है, विनियोजित पूंजी और दर दे दी, तो हमने क्या निकाल लिया? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ हमारे पास 45,000, 45 बचा गया अपने पास, 58 से 45 जाते हो 13,000 रुपए, ये अपने पास अधिलाभ आ गया। हमें निकालना है अधिलाभों की से पूंजी की, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे अधिलाभों की पूंजीकरण विधि क्या है? अधिलाभ गुणा 100 बट्टा सामान्य प्रत्यय की दर, सामान्य प्रत्यय की दर, ठीक है, अधिलाभ कितना है? 13,000
बट्टा 100 प्रत्यय दर कितनी है 10, प्रत्यय दर है 15, काटेंगे भाग देंगे तो ये आएगा 86.667। ठीक है 86.667। इस प्रकार हम एक फर्म के अधिलाभों की गणना कर लेंगे। आगे की वीडियो में हम एड एंड गुडविल, छिपी हुई ख्याति, वर्ष परचेज गुडविल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक चैनल को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।